हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज हम कंपनीज एक्ट देखेंगे। बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कंपनीज एक्ट को लेकर, तो हम कंपनीज एक्ट देखेंगे। आज के लेक्चर में हम कंपनीज एक्ट 2013 देखेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कंपनीज एक्ट 1956 में आया था, लेकिन इसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 में 1956 वाले को रिपील कर दिया गया और उसके कुछ प्रावधानों के साथ नया कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया गया, और जो कि अब सभी कंपनियों पर इस अधिनियम के तहत इनका अब नई कंपनियों का जो गठन किया जाता है वो इसी अधिनियम के तहत किया जाता है। इसके बाद कंपनी में अधिनियम में संशोधन होते रहे 2014, 2015 में, 17 में, 16 में, तो वो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सीधा इसके बाद आज के लेक्चर में तो हम कवर करेंगे कंपनी अधिनियम 2013, लेकिन आगे दो लेक्चर और आएंगे हमारे इस पर, जिसमें हम कंपनी अधिनियम 2020 यानी कि अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो कि लास्ट ईयर आया है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं कंपनीज की परिभाषा में, कंपनीज की एसेट वैल्यू में, कंपनी की नेटवर्थ में, कंपनीज के टर्नओवर में, इसमें सब में चेंजेस किए गए हैं, और यही आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। देखिए, कुछ बच्चों के हमारे पास मैसेज आए थे कि कंपनीज एक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें तो काफ़ी 400 से ज़्यादा धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, लेकिन आपके लिए एग्जाम, आपको इसमें सीए नहीं बनना है, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वही धाराएं आपको पढ़नी है। तो हम आपको सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट धाराएं ही, चैप्टर ही कराएंगे, और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा हमारा 2020 पर, और 2000 अमेंडमेंट एक्ट जो आया है अभी, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ है अप्रैल 2021 के अंदर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग से लेक्चर बनाएंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। अगर हम तीनों एक्ट को एक लेक्चर में कवर कर देते, एक तो ऐसा होता है कि एक तो लेक्चर लेंथी हो जाता है, जो आपके लिए बोरिंग हो जाता है, लेंथी लेक्चर आप ज़्यादा देखते नहीं हैं पूरा, इसलिए हम तीन पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ाएंगे, और इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। आज के लेक्चर में हम केवल कंपनी अधिनियम 2013 देखेंगे इसके, और देखेंगे कि किस तरह प्रावधान हमारे 1956 के अधिनियम को चेंज किया गया और इसको 2013 को हमारे यहाँ लागू किया गया। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले। 2013 के अधिनियम को 29 अध्यायों में विभाजित किया गया है, तो यानी कि इसमें 29 चैप्टर्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, देखिए पहले भी ईपीएफओ के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो अगर 3 लेक्चर हम कवर करा रहे हैं, 3 लेक्चर से अगर आपके मान लीजिए 2 क्वेश्चन भी आ जाएं, तो वो बहुत बड़ा जंक होगा आपके लिए। 2 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं इस एग्जाम्स के लिए, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है हार जीत के लिए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी अगर आ गए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, अगर आपके अधिनियम पर बेस्ड कंपनीज एक्ट पर, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि 2017 के एग्जाम में भी, या शायद 2000 EPFC का जो एग्जाम हुआ था, इन दोनों में से एक एग्जाम में क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें टोटल 29 चैप्टर्स हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम 1956 की 658 धाराओं की तुलना में 470 धाराएं हैं। देखिए, कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसमें टोटल कितनी धाराएं थी, 658, जिसमें से अब 2013 के एक्ट में कितनी धाराएं कर दी गई हैं, 470। देखिए, कुछ धाराओं को रिपील कर दिया गया है, पूरी तरह ऑमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और कुछ धाराओं में संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो बिल्कुल न्यू प्रोविजंस यहां पर मेंशन किए गए हैं। तो हम सभी को देखेंगे जो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे लिए कंपनीज एक्ट में एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चंद चीजें हैं, कुछ चीजें हैं। देख, पहले तो परिभाषाएं, कि कंपनी की परिभाषा क्या है, लिमिटेड कंपनी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप कंपनी क्या होती है। देखिए, पार्टनरशिप कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कंसिडर नहीं किया जाता है, उसके लिए अलग से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1923, इसी के अंतर्गत इन कंपनियों को कंसिडर किया जाता है। इसको भी हम, इसके बारे में हम चर्चा अपने अकाउंट्स के लेक्चर्स में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी अकाउंट्स वाली सीरीज देख सकते हैं। और देखिए, दूसरा, इसमें जो प्रोविजंस किए जाते हैं पेनाल्टी से संबंधित, कि अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो कितनी पेनाल्टी पड़ेगी, किस सेक्शन के लिए क्या पेनाल्टी होगी, किस नियम के उल्लंघन पर कितनी पेनाल्टी होगी, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा, ये सारी चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं, ना कि पूरा एक्ट। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है, तो आपके लिए पूरा एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, और बेसिक इसकी बैकग्राउंड आपको थोड़ी ब्रीफ में पता होनी चाहिए, कि किस सेक्शन के तहत कंपनी का गठन किया जाता है, किस सेक्शन के तहत कंपनी का डाइल्यूशन किया जाता है यानी कि विघटन किया जाता है, किस एक्ट के तहत किस सेक्शन के तहत कंपनी में पेनाल्टी के प्रावधान है यानी कि जुर्माने के प्रावधान रखे गए हैं, तो इस तरह किस कंपनी कौन से अधिनियम के तहत कंपनी में एनसीएलटी के तहत कार्रवाई की जा सकती है, एनसीएलटी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सारे आपको चंद चीजें ही याद रखनी होती हैं। अब वर्तमान में इस अधिनियम में 438 धाराएं हैं,
यानी कि इसमें से 39 धाराओं को हटाया गया है और 7 नई धाराएं जोड़ी गई हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2020 में आई है और कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। इन दोनों को हम सेपरेट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब 29 अगस्त 2013 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद कंपनी अधिनियम 1956 आंशिक तरीके से बदल दिया गया है, यानी कि पार्शियल तरीके से कंपनीज एक्ट 1956 को बदला गया है, रिपील किया गया है। इसलिए हम 1956 के एक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए अब एग्जाम परस्पेक्टिव से काम का नहीं है। अगर आप कहेंगे आपकी डिमांड होगी तो हम 1956 का एक्ट भी पढ़ा देंगे, लेकिन ये आपके लिए किसी भी काम का नहीं है अब, क्योंकि आपको सिर्फ 2013 का एक्ट पढ़ना है अब और बाकी 2020 और 2021 के अमेंडमेंट पढ़ने हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 1 में को 30 अगस्त 2013 को लागू हुई और कंपनी अधिनियम के 98 विभिन्न धाराएं 12 सितंबर 2013 को लागू हुई कुछ बदलावों के साथ। जैसे पहले निजी कंपनियों में निजी सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 थी, अब इसे 200 कर दिया गया है, यानी कि कंपनीज एक्ट के तहत जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें प्राइवेट सदस्यों की संख्या, प्राइवेट कंपनीज में सदस्यों की संख्या जो है मेंबर्स की संख्या वो कितनी कर दी गई है, मैक्सिमम 200। पहले कितनी होती थी, ये 50 होती थी, अब इसे बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है इसमें, इस अधिनियम में एक व्यक्ति कंपनी का एक नया शब्द शामिल किया गया है, यानी कि सिंगल एंटिटी कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी यानी कि सिंगल एंटिटी कंपनी, ये सिंगल पर्सन कंपनी, इसे कुछ भी आप कह सकते हैं। इसको अलग से जोड़ा गया था 2013 के एक्ट में और अधिनियम के केवल 98 अनुभागों के साथ अधिसूचित किया गया। 1 अप्रैल 2014 से इसकी कुल 183 धाराएं लागू हुई। इसके बाद कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत निजी कंपनियों को विभिन्न धाराओं के दायरे से छूट देने के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की, यानी कि निजी कंपनियों को कुछ इसमें छूट भी दी गई है। 2013 में के कानून में, यानी कि 2013 का जो कंपनीज एक्ट था, इसमें आईटी क्षेत्र में कॉरपोरेट अधिकारियों को की जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया है और आईटी में, आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अगर किसी तरह की विफलता होती है, सेक्टर्स में अगर विफलता होती है यानी कि डिफॉल्ट होता है, कंपनीज अगर किसी तरह का डिफॉल्ट करती हैं, तो इसमें सीईओ यानी कि कंपनी का जो सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या सीटीओ जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर होंगे, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देकर संगठित साइबर अपराध, ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम के खिलाफ भारत के सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। आगे है इसमें, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला, आपको पता होगा पहले कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन थी पिछली सरकार में, एनडीए गवर्नमेंट में, निर्मला सीतारमन। इसमें कंपनी संशोधन अधिनियम विधेयक 2020 पेश किया गया। सॉरी, पहले तो अरुण जेटली थे, अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो अब जो है कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। इसे 2020 में संशोधित संसद द्वारा पारित किया गया। 2020 का हम संशोधन अमेंडमेंट जो देखेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अब इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 भारत की संसद का एक अधिनियम था जिसे 1956 में अधिनियमित किया गया, जो कंपनियों को पंजीकरण द्वारा गठित करने के लिए सक्षम बनाता है। कंपनियों, उनके कार्यकारी निदेशक यानी कि आपके एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स होते हैं, और सचिव या सेक्रेटरीज की भी जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है कंपनीज एक्ट 1956 और इसके समापन की प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है, यानी कि अगर कंपनी का डायल्यूशन करना है तो इसकी प्रक्रियाओं का भी प्रावधान 1956 के अंतर्गत किया गया है और यही प्रावधान 2013 के अंतर्गत भी शामिल है। 1956 के सारे प्रावधान जो चेंजेस किए गए हैं वो 2013 में इंक्लूड कर दिए गए हैं, जो नए आए हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जो 1956 के रिपील कर दिए गए हैं उनको हटा दिया गया है 2013 में, और कुछ में अमेंडमेंट किया गया है वो उनको भी इसमें इंसर्ट किया गया है, शामिल किया गया है। अब है अनिवार्य सीएसआर योगदान, कंपलसरी हमारा सीएसआर कॉन्ट्रीब्यूशन जो कंपनियों के लिए है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी अधिनियम की धारा 135, आपको सीएसआर पता होना चाहिए किस सेक्शन से डील करता है, धारा 135 में सेक्शन 135 में सीएसआर के बारे में चर्चा की गई है। यह कंपनियों के लिए अनिवार्य कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का योगदान पेश करती है, जिससे यह दुनिया में एकमात्र अनिवार्य सीएसआर कानून बन जाता है, यानी कि हमारा भारत का कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले सीएसआर जो था केवल क्या था, सार्वजनिक कंपनियों के लिए लागू था, यानी कि सिर्फ पब्लिक कंपनीज ही, पब्लिक एंटरप्राइजेस ही सीएसआर में योगदान देती थी, प्राइवेट कंपनीज के लिए ऐसा प्रावधान नहीं था। अब ये भारत का जो ये कानून है कंपनीज एक्ट 2013, ये विश्व का अकेला कानून है, एकमात्र कानून है जहां सीएसआर योगदान को लीगली बाइंडिंग किया गया है कंपनीज पर, ये आपको याद रखना है। बिल के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार 5 बिलियन रुपए यानी कि $75 मिलियन से अधिक संपत्ति वाली सभी फर्में, अब देखिए सीएसआर किन कंपनियों पर, कंपनी पर लागू होगा, सीएसआर का प्रावधान जो है किन कंपनियों पर लागू होगा, यानी कि सीएसआर में योगदान किन कंपनियों के द्वारा दिया जाना है, ऐसी कंपनी, इसकी तीन कंडीशन है। ऐसी पहली, ऐसी कंपनियां जिनका जो संपत्ति है, एसेट वैल्यू है, 5 बिलियन रुपीज से ज्यादा है, रुपये या इससे ज्यादा, या मतलब $75 मिलियन से
डॉलर है या इससे अधिक की इनकी एसेट वैल्यू है। दूसरा, 10 अरब रुपए या लगभग 150 मिलियन डॉलर से अधिक का कारोबार करने वाली, यानी कि इनके टर्नओवर जो है, ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 10 अरब रुपए है या 150 मिलियन डॉलर है या इससे अधिक है। और तीसरी कंडीशन है 50 मिलियन रुपए या लगभग 7,50,000 डॉलर से अधिक का शुद्ध लाभ कमाने वाली सभी फर्में, यानी कि जिनका देखिए इसमें तीन कंडीशन पर CSR के प्रावधान लागू होंगे। पहली कंडीशन कौन सी है? ऐसी कंपनियां जिनकी नेटवर्थ वैल्यू कितनी है आपकी, 5 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन रुपीज, अगर रुपीज के टर्म में देखा जाए तो 5 बिलियन रुपीज, और वरना 75 मिलियन डॉलर, ऐसी जिनका एसेट वैल्यू इससे इसके बराबर या इससे ज्यादा होगा, उन पर CSR के प्रावधान लागू होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है 10 अरब रुपए या 150 मिलियन डॉलर। ऐसी कंपनियां जिनका मूल्य है दस अरब रुपए या 150 मिलियन डॉलर, जिनका टर्नओवर है वार्षिक टर्नओवर जो है इनका 10 अरब रुपए या 150 मिलियन डॉलर के बराबर या इससे अधिक है। और तीसरी, ऐसी कंपनियां जिनका नेट प्रॉफिट वार्षिक 50 मिलियन रुपए या 7.5 लाख डॉलर, 50 मिलियन रुपए अगर रुपए के टर्म में देखा जाए तो 50 मिलियन रुपीज या फिर 7.5 लाख डॉलर, तो 7.5 लाख डॉलर ऐसी कंपनियों को पर CSR के प्रावधान लागू होंगे। कानून ये भी मांग करता है कि सभी प्रस्तावित प्रभावित व्यवसाय खर्च की निगरानी के लिए एक CSR समिति की स्थापना की जाएगी, यानी कि ऐसी कंपनीज जिन पर CSR के प्रावधान लागू होंगे वो अपने यहाँ CSR कमेटी का अनिवार्य रूप से गठन करेंगी, ये भी अधिनियम में मेंशन किया गया है। इस कानून के पारित होने से पहले CSR कानून केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर ही लागू होता था। तो हमने जैसे आपको बताया कि सार्वजनिक कंपनियों पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर ही 1956 के अधिनियम के तहत ये CSR का प्रावधान लागू होता था, लेकिन 2013 के अधिनियम में इसको इन तीन शर्तों पर उतरती है पूरा, उन तीन ऐसी कंपनियों पर इसको लागू किया जाने लगा है। आगे है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 कंपनी सचिव की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए, किसी अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित सेक्शन जो है, धाराएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन जो किसी पेनाल्टी से संबंधित है वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन कंपनी के गठन से जो संबंधित है वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन जो कंपनी के डाइल्यूशन से संबंधित है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो सेक्शन है वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेक्शन ऐसे जो किसी न्यायालय का गठन करते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय कंपनी कानून के इतिहास में पहली बार कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय कंपनी कानून में के इतिहास में पहली बार कंपनी जो सेक्रेटरी है उसको कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि चीफ मैनेजमेंट एम्प्लॉय के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। भारतीय कंपनी कानून में प्रत्येक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी और हर अन्य कंपनी जिसकी चुकता पूंजी 10 करोड़ रुपए या 100 मिलियन डॉलर से अधिक है, इसके लिए पूर्णकालिक कंपनी सचिव होना अनिवार्य है। यानी कि इस कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बताया गया है, ऐसी कंपनियां जो लिस्टेड कंपनियां हैं, लिस्टेड कौन सी होती है, जो स्टॉक मार्केट में यानी कि सेबी के अंतर्गत जो सूचीबद्ध होती है वो लिस्टेड कंपनियां होती है। ऐसी कंपनियां जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो, और ऐसी अदर कंपनियां जो लिस्टेड नहीं है लेकिन उनकी चुकता पूंजी यानी कि उनकी शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक या फिर 100 मिलियन डॉलर अगर डॉलर के टर्म में देखें तो 100 मिलियन डॉलर या इससे अधिक है, उनको पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम एक कंपनी सेक्रेटरी रखना अनिवार्य होगा। कंपनी सेक्रेटरी उनको लिए CS रखना एक उनके लिए अनिवार्य प्रावधान किया गया है। तो आपको यह फैक्ट पता होना चाहिए, 10 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी वाली, 10 करोड़ रुपए शेयर्ड कैपिटल या 100 मिलियन डॉलर ऐसी अनलिस्टेड कंपनियां, यानी कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं उन पर तो उन सभी कंपनियों पर कंपनी सेक्रेटरी को रखने का पूर्णकालिक फुल टाइम एक कंपनी सेक्रेटरी रखने का प्रावधान उन पर तो लागू होता है जो लिस्टेड कंपनियां हैं, ऐसी सभी उन सभी कंपनियों पर लागू होगा। लेकिन जो लिस्टेड कंपनियां नहीं है, ऐसी कंपनियां जो लिस्टेड नहीं है लेकिन उनकी चुकता पूंजी शेयर्ड कैपिटल 10 करोड़ रुपए या 100 मिलियन डॉलर या इससे अधिक है, तो ऐसी कंपनियों पर भी फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना अनिवार्य होगा भले ही वो लिस्टेड ना हो। अब कंपनी अधिनियम 2013 में जो बदलाव किए गए वो पहला संशोधन 2015 में, फिर 2017 में, फिर 2019 में, हम इन तीन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट
कंपनी अधिनियम चौथा संशोधन विधेयक 2020 डिस्कस करेंगे और कंपनी पांचवा संशोधन अधिनियम 2021 को डिस्कस करेंगे। ये हम अलग अलग सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल अपना 2013 का कंप्लीट लेक्चर कवर करेंगे। अब है अधिकारियों की स्थापना, यानी कि अधिकारियों का की ज्वाइनिंग। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया था। अधिकारियों की स्थापना यानी अधिकारियों से यहां तात्पर्य यह है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी संस्थाएं जहां पर इनके तहत कार्यवाही पेनाल्टी से संबंधित या डिसोल्यूशन से संबंधित कार्यवाही या किसी भी जो केस होता है, जो मुकदमे चलते हैं, उनसे संबंधित कार्यवाहियां संपन्न की जाएंगी। तो इसमें कौन कौन सी है? दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया और 1 जून 2016 को भारत सरकार द्वारा गठित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए एनसीएलटी की स्थापना कब हुई, 1 जून 2016 को। किसके तहत? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसका गठन किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में यूपीएससी ये भी पूछ सकती है स्टेटमेंट वाइज कि निम्नलिखित कथनों पर एनसीएलटी से संबंधित, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत गठित किया गया था, इसको 2014 में गठित किया गया था, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है? तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कंपनियों के दिवाला और दिवालियापन और समापन से संबंधित कानून पर न्यायमूर्ति आरआरडी समिति, आरआरडी आपको पता होना चाहिए कि समिति की सिफारिश पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। तो ये कौन सी कमेटी थी? इरादी कमेटी की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। और इसका गठन का उद्देश्य क्या है? कंपनियों के दिवालापन से संबंधित और कंपनियों यानी कि बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी से संबंधित या फिर समापन इनके डिसोल्यूशन से संबंधित कानून पर ये आधारित है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसकी स्थापना मार्च 2018 में की गई। इसका स्थापना कब हुई? 2018 में चार्टर अकाउंटेंट या सीए फर्मों द्वारा पेशेवर कदाचारों के मामलों की जांच के लिए यह निरीक्षण निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है। देखिए, इसका गठन एनएफआरए का क्यों किया गया है? जो कंपनीज अधिनियम के तहत आपको पता होगा कि किसी भी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, तो उनके लिए सरकार क्या करती है, उनसे टैक्स लेने के लिए क्या करती है, उनका ऑडिट किया जाता है। एक तो ऑडिट खुद करते हैं, उनके अपने निजी सचिव करते हैं, उनकी कंपनियों में जो गठित होते हैं उनका टैक्स बना कर देते हैं वो, कि कंपनी को कितना टैक्स पे करना है, सरकार को कितना टैक्स भुगतान करेगी। लेकिन कंपनी भारत सरकार भी अपने चार्टर अकाउंटेंट को भेजती है कंपनी का ऑडिट करने के लिए, देख के उसका कितना टैक्स इस करंट ईयर का बन रहा है। तो ऐसे टैक्स का अगर घोटाला होता है, टैक्स में घोटाला चार्टर अकाउंटेंट के ऑडिट के द्वारा अगर घोटाला किया जाता है, तो ऐसे चार्टर अकाउंटेंट पर कार्यवाही करने के लिए या उनके कदाचार के मामलों की जांच करने के लिए निरीक्षण निकाय के रूप में यानी कि आपका इंस्पेक्शन बॉडी के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना मार्च 2018 में की गई थी। आगे है हमारा इसमें विभिन्न कंपनियों में आवश्यक निदेशकों की संख्या। अब अलग अलग कंपनियों में कितने निदेशक यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड मेंबर्स की का गठन किया जाता है। तो एक कंपनी के संबंध में धारा 2 यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 10, धारा 2 क्लॉज 10 सेक्शन 2 क्लॉज 10 निदेशक मंडल या बोर्ड के अनुसार कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय है। तो धारा 2 में क्या बताया गया है? धारा 2 में बताया गया है कि बोर्ड के अनुसार कंपनी के जो निदेशक हैं वो एक सामूहिक यानी कि कलेक्टिव बॉडी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अनुसार प्रत्येक कंपनी की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। प्रत्येक कंपनी में कितने न्यूनतम निदेशकों की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, यह कंपनी अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत बताया गया है। तो धारा 49 के अंतर्गत निदेशकों की संख्या किस प्रकार परिभाषित की गई है? सार्वजनिक कंपनी यानी कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनमें मिनिमम कितने निदेशक होने चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। निजी कंपनी यानी कि आपकी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये मिनिमम है, याद रखिए कि न्यूनतम संख्या की बात हो रही है या न्यूनतम संख्या, तो यहाँ 2 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। और एकल कंपनी जो है, सिंगल एंटिटी बिजनेस या सिंगल पर्सन बिजनेस, तो इसके मामले में आपका मिनिमम 1 निदेशक 1 डायरेक्टर होना चाहिए। कंपनी अधिनियम 15 निदेशकों की नियुक्ति, एक कंपनी अधिकतम 15 निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है, यानी कि इसके बारे में ये बताया गया है कि कंपनीज जो है वो मैक्सिमम कितनी नियुक्त निदेशकों को, डायरेक्टर्स को नियुक्त कर सकती है? 15। और मिनिमम अलग अलग सार्वजनिक कंपनी के लिए 3 और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 निदेशक और सिंगल कंपनी के लिए, सिंगल बॉडी सिंगल पर्सन कंपनी के लिए 1 निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है। ये मिनिमम नंबर की बात हो रही है, मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम कितने कर सकती है? 15। लेकिन इसके बाद भी 15 से अधिक अगर करना चाहें तो कंपनी की आम बैठक में यानी कि उसकी जो जनरल मीटिंग होगी, जैसे कि आपको पता होगा कि जनरल मीटिंग हर साल में 2 या 3 बार अलग अलग नियमानुसार, कम से कम 2 या 3 बार
आयोजित की जाती है किसी भी कंपनी की जनरल मीटिंग, तो आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा अगर वो 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को नियुक्त कर सकती है। देखिए मैक्सिमम 15 की जो छूट दी गई है वो तो सरकार द्वारा दी ही गई है, लेकिन अगर कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को नियुक्त करना चाहती है तो कंपनी अपनी आम बैठक में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और उसको पास करने के बाद 15 से अधिक निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। अगर 15 से ज्यादा निदेशकों की नियुक्ति करना चाहे तो कोई भी कंपनी नियुक्ति कर सकती है, बशर्ते कि उसने अपनी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद इस प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया हो। और यहां पर जो प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है वो मिनिमम सार्वजनिक कंपनी के लिए 3 निदेशक, निजी कंपनी के लिए 2 निदेशक और एकल का व्यक्ति कंपनी के लिए 1 निदेशक का प्रावधान है और अधिकतम 15 व्यक्तियों का 15 निदेशकों का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। अब आगे है इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी का अर्थ और परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सामान्य भाषा में कंपनी के व्यवसाय के अर्थ को किसी व्यवसाय या उपक्रम को चलाने के उद्देश्य से गठित व्यक्तियों के संघ के रूप में समझा जा सकता है, यानी कि कंपनी को किस अर्थ में लिया जा सकता है, किसी व्यवसाय या बिजनेस या उपक्रम यानी कि किसी यूनिट या प्लांट्स को चलाने के उद्देश्य से गठित व्यक्तियों का एक समूह यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स के रूप में कंपनी को परिभाषित किया गया है। एक कंपनी का एक निकाय कॉरपोरेट है जिसकी अलग कानूनी पहचान होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी होती है, ये याद रखिए। कंपनी का अस्तित्व उसके स्वामित्व से अलग होता है, कंपनी अपने आप में एक अलग कानूनी पहचान रखती है जो इसे बनाने वाले सदस्यों से अलग होती है। जैसे कि हमने अकाउंट्स के लेक्चर में भी आपको बताया था, अगर आप मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप कंपनी खोलना चाहते हैं, जब आप उसको रजिस्टर्ड करा देंगे किसी नाम से एक्स वाई जेड नाम से, तो अब आप कंपनी के ओनर जो हैं, ये कंपनी आपसे बिल्कुल अलग है, आपका अपना अलग आइडेंटिटी है और इस कंपनी की अपनी अलग आइडेंटिटी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अनुसार कंपनी को इस अधिनियम के तहत किसी पिछले कंपनी कानून के तहत निगमित कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है। वे व्यक्ति जो कंपनी बनाते हैं यानी कि जैसे कि आप हैं ए और आपने एक्स वाई जेड नाम से कंपनी बनाई है, कंपनी के व्यवसाय के लिए धन या धन का योगदान करते हैं, ये सदस्य कहलाएंगे। अब आप कंपनी के मालिक नहीं, कंपनी के सदस्य कहलाएंगे, क्योंकि आप यहाँ इसके लिए धन जो दे रहे हैं, हालांकि धन आप ही दे रहे हैं, पैसा आप ही इस कंपनी में डाल रहे हैं, इन्वेस्ट आप ही कर रहे हैं, लेकिन आप कंपनी के सदस्य कहलाएंगे। उन्हें कंपनी के योगदान के अनुपात में कंपनी के शेयर मिलते हैं। और अगर आपने किसी को साथ में 2-3 कंपनियों लोगों के साथ मिलकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको साथ में शेयर होल्डर कहलाएंगे आप। कंपनी के सदस्यों द्वारा किया गया योगदान कंपनी की पूंजी कहलाती है, यानी कि कंपनी के सदस्य अगर 2-3 लोग हैं साथ में मिलकर उन्होंने एक्स वाई जेड कंपनी बनाई है, तो ये जो पैसा इन 3-4 लोगों ने मिलकर अगर 3 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है तो ये 3 लोगों द्वारा टोटल पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ये पैसा क्या कहलाएगा, इस कंपनी का कैपिटल कहलाएगा, यानी कि एसेट वैल्यू कहलाएगी। अगली है इसमें आगे इंफॉर्मेशन है एक कंपनी की प्रकृति और विशेषताएं, कंपनी की क्या नेचर होता है और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कंपनी प्राकृतिक जन्म के अलावा कानून की प्रक्रिया द्वारा बनाई गई एक कानूनी व्यक्ति है। देखिए कंपनी जो है एक नेचुरल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन जैसे कौन होते हैं, जैसे कि हम और आप, लेकिन कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं आप, आर्टिफिशियल पर्सन है या फिर लीगल पर्सन है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं या फिर लीगल पर्सन है। ये परिभाषा कोर्ट के द्वारा दी गई है, यानी कि हमारे न्यायालयों द्वारा यह परिभाषा कंपनी की दी गई है। इस कारण से कंपनी को एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति भी माना जाता है, कंपनी को एक कानूनी पर्सन के रूप में, लीगल पर्सन के रूप में कंसिडर किया जाता है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में कंसिडर किया जाता है। इसका फायदा क्या होता है, देखिए एक प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में एक कंपनी को कई अधिकार प्राप्त होते हैं और एक व्यक्ति के देनदारियां भी होती हैं, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में इसको नेचुरल पर्सन की तरह इसके कई अधिकार भी होते हैं, यानी कि इसको कई अथॉरिटीज भी होती हैं और कई इस पर लायबिलिटीज भी होती हैं, जैसे कि लोगों पर होती हैं। अगर आप जैसे कि आपने किसी से उधार लिया तो 100 रुपये का, तो आप पर आपने अपने दोस्त से 100 रुपये का उधार लिया तो अब आपके ऊपर लायबिलिटी है 100 रुपये की, अब आपको अपने ये 100 रुपये अपने दोस्त को चुकाने हैं। इसी तरह कंपनीज पर भी एक नेचुरल पर्सन की तरह लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। अब कॉरपोरेट फर्म की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, ये याद रखिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। कॉरपोरेट फर्म की विशेषताएं क्या होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉरपोरेट फर्म। पहली विशेषता है अलग कानूनी इकाई, सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कि हमने आपको अभी ऊपर बताया। कंपनी की उत्कृष्ट विशेषता उसका स्वतंत्र कॉरपोरेट अस्तित्व है, यानी कि फ्री कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस। कानून के समक्ष एक कंपनी एक व्यक्ति है, कंपनी जो है क्या है, एक व्यक्ति है। कानून जो है उसके समक्ष
कंपनी को क्या कंसिडर किया जाएगा, एक व्यक्ति के रूप में, एक लीगल एंटिटी के रूप में कंसिडर किया जाएगा। इसे अपने सदस्यों से अलग एक इकाई के रूप में माना जाता है, यानी कि जो इसके सदस्य हैं, यानी कि अगर ए बी सी ये तीन सदस्य हैं जिन्होंने इसमें पूंजी लगाई है, तो इन तीन सदस्यों से अलग एक्स वाई जेड इन्होंने कंपनी बनाई, इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई एक्स वाई जेड, तो इनके सदस्यों से अलग इसका अस्तित्व कोर्ट कंसिडर करेगा। अधिनियम के तहत निगमन करके कंपनी एक कॉर्पोरेट व्यक्तित्व के साथ निहित है जो इसे बनाने वाले सदस्यों से अलग होती है। कोई भी व्यक्ति, ये तीन जो लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पूंजी लगाई है, ये नहीं कह सकते कि कंपनी के मालिक हैं। अब व्यवसाय एक संस्था है, यानी कि अभी इनके द्वारा जो व्यवसाय बनाया गया है ये एक इंस्टीट्यूशन है या एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको परिभाषित किया जाएगा। इस प्रकार एक कंपनी का अस्तित्व बना रहता है भले इसके सदस्य समय समय पर बदलते रहते हैं। मान लीजिए ये ए है, अगर ए मर जाता है तो विरासत के रूप में ए का कारोबार किसको मिल जाएगा, इसके बेटे को, बेटा जो इसका एफ है, मान लीजिए एफ इसका बेटा है, तो इसके बेटा या बेटी को विरासत के रूप में ये कारोबार मिल जाएगा। तो इसलिए माना जाता है कि कंपनी का डाइल्यूशन नहीं होता है जब तक का उसकी लीगल कार्यवाही के थ्रू उसका प्रोसेस ना संपन्न किया जाए। तो इसलिए ये लोग तो बदलते रहेंगे लेकिन कंपनी का अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस उसका कायम रहेगा। आगे है इसमें टाटा इंजीनियरिंग। अब एक यहाँ पर एक केस की बात की गई है, केस के द्वारा समझाया गया है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनी की कानूनी स्थिति को एक निगमित संघ, यानी कि एक निगमित क्या होता है, रेगुलेटिव यूनियन या रेगुलेटिव एसोसिएशन के रूप में परिभाषित किया है, वर्णित किया है और बताया कि कानून के समक्ष कंपनी एक प्राकृतिक व्यक्ति के बराबर है और उसकी अपनी कानूनी पहचान है, यानी कि इसको नेचुरल पर्सन के बराबर बताया है और इसकी एक अलग कानूनी पहचान बताई है। अब इसके कंपनी के लिए कानूनी पहचान की वजह से कंपनी के पास अलग अलग क्या चीजें होती है, कंपनी की अलग मोहर होती है। मान लीजिए आपने एक्स वाई जेड के नाम से कंपनी का गठन किया तो एक्स वाई जेड के नाम से एक मोहर होगी, जैसे कि कंपनी कोई भी कार्यवाही करेगी, कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को खरीदेगी, किसी भी प्रोडक्ट में सेल करेगी, तो उस पर जो स्टैंप लगी होगी उस पर एक्स वाई जेड नाम लिखा होगा, ना कि एबीसी जो कंपनी शेयर होल्डर है उनका नाम नहीं लिखा होगा, कंपनी एक्स वाई जेड का नाम लिखा होगा। यहां एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए अमेज़न, तो अमेज़न पर आप देखते होंगे अमेज़न से अगर आप कोई डिलीवरी कराते होंगे किसी प्रोडक्ट की तो उस पर अमेज़न का कि सील लगी होती है, ना कि जेफ बेजोस की, जेफ बेजोस का नाम नहीं लिखा होता है उस पर, लिखा सील किसकी लगी होती है, अमेज़न कंपनी की। तो इसलिए कंपनी अलग मोहर होती है, अपने सदस्यों की संपत्ति से अलग संपत्ति होती है, कंपनी की जो एसेट वैल्यू है वो कंपनी के मालिक जेफ बेजोस से अलग होगी, अमेज़न की जो एसेट वैल्यू है जेफ बेजोस से अलग होगी। किसी पर भी मुकदमा कर सकती है, यानी कि अमेज़न किसी पर भी केस कर सकती है, जैसे कि आपने देखा है, हालांकि अभी हाल ही में देखा होगा आपने, अभी एक दो दिन पहले एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो रिलायंस के साथ अमेज़न का कुछ डिस्प्यूट था, तो कंपनी का रिलायंस का अमेज़न के साथ डिस्प्यूट था, ये नहीं कहा गया है कि जेफ बेजोस का मुकेश अंबानी के साथ डिस्प्यूट था, ये नहीं कहा गया है। देखिए इन बारीकियों पर आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अमेज़न का डिस्प्यूट रिलायंस के साथ था, ना कि जेफ बेजोस का मुकेश अंबानी के साथ। तो कंपनी किसी पर भी मुकदमा कर सकती है और इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, जैसे कि अमेज़न ने रिलायंस पर मुकदमा किया और रिलायंस भी किसी भी कंपनी पर या अमेज़न पर मुकदमा कर सकती है। हालांकि इसका जो केस होगा, इसकी कार्यवाही किसी व्यक्ति द्वारा, वकील द्वारा ही लड़ी जाती है, लेकिन माना यह जाता है कि मुकदमा जो है कंपनी खुद कर रही है, कंपनी के नाम से मुकदमा किया जाता है, ना कि कंपनी के शेयर होल्डर के नाम से। आगे है सतत उत्तराधिकार। दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कंपनी कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि हमने आपको बताया एबीसी तीन व्यक्ति हैं, इन तीनों ने मिलकर एक्स वाई जेड कंपनी का गठन किया, तो एबीसी अगर ए मर जाएगा तो इसकी संपत्ति, यानी कि इसके जो शेयर है किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके बेटा या बेटी को। अगर इसका बेटा एफ है या बेटी एफ है तो ये एफ अब इस कंपनी के शेयर होल्डर में, जो ए के शेयर थे अब उस शेयर का मालिक कौन है, एफ है, यानी कि प्रीपेचुअल सक्सेशन है, सतत उत्तराधिकार चल रहा है इसमें, ये उत्तराधिकार कभी खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि जब तक इस पर लीगल रेजोल्यूशन के तहत कार्य प्रक्रिया आरंभ ना की जाए। जैसे यहां पर एग्जांपल के थ्रू बताया भी गया है कि मान लीजिए MNO एक कंपनी के एकमात्र सदस्य हैं जिसके पास उसके सभी शेयर हैं, उनके शेयर PQR को हस्तांतरित या विरासत में मिल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए का उत्तराधिकारी कौन है, पी है, बी का क्यू है और सी का आर है, तो इन तीनों को उत्तराधिकार के रूप में इसके शेयर मिल जाएंगे। तो अब एक्स वाई जेड के शेयर होल्डर किसके पास है, शेयर किसके पास है, PQR के पास, तो इस तरह इसके शेयर हस्तांतरित हो सकते हैं, जो कंपनी के नए सदस्य और सदस्य बन सकते हैं क्योंकि वे अब कंपनी के शेयर धारक हैं। लेकिन कंपनी एक ही नाम, विशेष अधिकार, उन्मुक्ति, संपत्ति और इसके इकाई के साथ चलती रहेगी, यानी कि कंपनी का नाम चेंज नहीं होगा, भले ही इसका उत्तराधिकार चेंज हो जाए, शेयर होल्डर्स का उत्तराधिकार चेंज हो जाए, लेकिन कंपनी एक्स वाई जेड के नाम से ही चलती रहेगी। इसका विशेष अधिकार जो होगा वो वही रहेगा, उन्मुक्तियां वही रहेंगी, संपत्ति एसेट्स वही वैसी की वैसी रहेगी और वो उसी इकाई के रूप में काम करती रहेगी। तीसरी विशेषता है अलग मोहर, कॉमन सील। एक कंपनी सतत उत्तराधिकार द्वारा, एक सामान्य मोहर द्वारा भी अपनी कानूनी
एक कानूनी इकाई बन जाती है। वास्तव में किसी कंपनी की एक सामान्य मोहर उसके निगमन का प्रतीक है, यानी कि उसके रेगुलेशन का सिंबल है। उसकी जो कॉमन सील होती है, यानी कि अमेज़न की जो सील है, वो अमेज़न का अलग सिंबल है। इसे किसी कंपनी का आधिकारिक हस्ताक्षर माना जाता है, यानी कि अगर वहाँ सील लगी है अमेज़न की, तो मतलब ये है कि वहाँ पर कंपनी ने अपने आधिकारिक हस्ताक्षर किए हैं। इससे कंपनी मुकर नहीं सकती या इससे रेफ्यूज, इससे डिनाई नहीं कर सकती किसी भी तरह के मामले में। लेकिन अब कंपनी अधिनियम में 2015 के संशोधन के आधार पर यह किया गया है कि एक कंपनी के पास एक सामान्य मोहर हो भी सकती है और नहीं भी। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, 2015 में एक संशोधन किया गया है जिसमें यह प्रावधान हटा लिया गया है कि कोई भी कंपनी अपनी सामान्य मोहर यानी कि एक्स वाई जेड के नाम से मोहर बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है। यानी कि डायरेक्ट अगर कोई शेयर उनके शेयर होल्डर हैं तो वो शेयर होल्डर भी सिग्नेचर करके अपने नाम कंपनी के नाम से सिग्नेचर उस पर कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कंपनी की ओर से दस्तावेजों, कार्यवाहियों और अनुबंधों का प्रमाणीकरण किसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर या एम्प्लॉय या कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा इस संबंध में बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किया गया है। आगे धारा 22 के अनुसार एक कंपनी अपनी सामान्य मोहर के तहत किसी भी व्यक्ति को आमतौर पर या किसी निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कानून की ओर से, कंपनी की ओर से अन्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक वकील के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकती है। ऐसा कार्य भारत में भी कर सकती है और भारत के बाहर भी कर सकती है। यानी कि यहाँ क्या बताया गया है, कंपनी धारा, कंपनी के अधिनियम 2013 की धारा सेक्शन 22 क्या कहती है, सेक्शन 22 ये कहता है कि कंपनी अपनी सील के तहत अगर उसके पास सील मौजूद है और या सील मौजूद नहीं है तो उसके शेयर होल्डर किसी भी व्यक्ति को या वकील को, एडवोकेट को कंपनी का केस लड़ने के लिए अधिकृत कर सकते हैं या ऑथराइज्ड कर सकते हैं। कंपनी की ओर से उसके वकील द्वारा इस तरह के हस्ताक्षरित विलेख कंपनी को बाध्य करते हैं, यानी कि जो डीड्स होते हैं, अकाउंटिंग डीड्स होते हैं, वो कंपनी को, कंपनी की तरफ से वकील को इस तरह की ऑथराइजेशन प्रदान करते हैं। बशर्ते कि यदि 2015 के संशोधन के अनुसार किसी कंपनी की सामान्य मोहर नहीं है तो प्राधिकृत दो निदेशक या दो निदेशक और कंपनी के सचिव द्वारा किया जाएगा। तो प्राधिकृत जो है उनको दो निदेशकों द्वारा और कंपनी के सचिव द्वारा किया जाएगा। यानी कि यह बात, यह बताया गया है कि 2015 के अनुसार जो छूट दी गई है कि कंपनी अपनी सामान्य मोहर बना भी सकती है, कॉमन सील बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है। तो अगर ऐसी एक कंडीशन ये है कि अगर कॉमन सील कंपनी की मौजूद नहीं है, कॉमन सील नहीं बनी हुई है, तो उसमें दो कम से कम जो उसको प्राधिकरण प्रदान किया जाएगा वकीलों द्वारा केस लड़ने के लिए, तो उसके लिए दो निदेशक, टू डायरेक्टर्स और कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी का उस पर ऑथराइजेशन देना या अप्रूवल देना कंपलसरी है। अगर कंपनी ऐसी है जिसके पास कॉमन सील नहीं है और वो अपने किसी एडवोकेट को अपनी कंपनी की तरफ से केस लड़ने के लिए प्राधिकृत करना चाहती है, तो ऐसा प्राधिकरण करने से पहले उस कंपनी को के कम से कम दो डायरेक्टर्स और कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी को अप्रूवल देना होगा। आगे है चौथा इसका करैक्टरिस्टिक्स है सदस्यों की सीमित देयता, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। एक कंपनी जिसकी अपनी अलग कानूनी इकाई होती है वो अपनी संपत्ति की मालिक होती है। यानी कि ABC ने जो कंपनी बनाई है एक्स वाई जेड नाम से, मतलब कुछ पैसा इन तीनों ने इन्वेस्ट करके कंपनी बनाई है और जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो टोटल जो कैपिटल है, ये टोटल कैपिटल अब कंपनी की एसेट वैल्यू है। अब ये कंपनी की एसेट वैल्यू है, ना कि ABC की, और अपनी देनदारियों से बाध्य होती है। और अब इस पर ये जो है, अब ये इस वैल्यू जो है, एसेट वैल्यू जो है, ये कंपनी की हो गई एक्स वाई जेड की। लेकिन अब ये लायबिलिटी भी है, एसेट के होने के साथ साथ ये लायबिलिटी भी है कंपनी की। ये लायबिलिटी किसको चुकाएगी, ये इन तीनों ABC को चुकाएगी। किसी कंपनी के सभी ऋणों का भुगतान उसके सदस्यों द्वारा नहीं बल्कि स्वयं कंपनी द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर आप कंपनी कोई बिजनेस कर रही है और बिजनेस के तहत उसने कोई लोन लिया है बैंक से, तो कंपनी के नाम पर लिया जाता है, एक्स वाई जेड के नाम पर लोन दिया जाता है। तो अब लोन चुकाने का जो जिम्मेदारी है वो किस पर है, कंपनी पर है, ना कि ABC पर। ABC लोन को नहीं चुकाएंगे, बल्कि कौन चुकाएगा, एक्स वाई जेड। जैसे इसीलिए आप देखते होंगे कंपनियों को लिक्विडेट किया जाता है, कंपनियों को लिक्विडेट किया जाता है IBC कोड के तहत, ना कि ABC की जो अपनी पर्सनल संपत्ति होती है। कुछ केसेस इसमें अलग भी हैं, जैसे कि आपका नीरव मोदी के और विजय माल्या के केस, वो अलग केस हैं, उनका कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। सदस्यों द्वारा दायित्व शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में उनके द्वारा लिए गए शेयरों के नाममात्र मूल्य या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में उनके द्वारा गारंटीकृत राशि तक सीमित या प्रतिबंधित हो जाता है। यानी कि सदस्यों का दायित्व जो होता है, लायबिलिटी जो होती है, जिसके सदस्य हैं, यानी कि ABC जो सदस्य हैं, इनकी लायबिलिटी कितनी है, वो सीमित कंपनी में जो है कंपनी विद मिनिमम लायबिलिटी, उसमें कंपनी द्वारा लिए गए शेयरों के नाममात्र मूल्य तक इनका सीमित होता है। यानी कि जो लिमिटेड कंपनीज हैं उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनका दायित्व कितना होगा, वो लिमिटेड होगा। यानी कि जितनी कीमत के उन्होंने शेयर खरीद रखे हैं ABC ने, उतनी ही कीमत तक उनकी लायबिलिटी होगी।
इसके अलावा अगर उससे इससे ज़्यादा की उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी, यानी कि उनकी पर्सनल जो एसेट्स हैं एबीसी की जो पर्सनल एसेट्स हैं इससे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जो अनलिमिटेड कंपनी है उसमें उसके द्वारा गारंटीकृत राशि इनकी अपनी निजी संपत्ति से भी वसूली की जाएगी। ये इस बारे में भी हमने अकाउंट्स के लेक्चर में डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस हमने किया था, बताया था आपको। अब सीमित देयता के देयता संगठन के कॉरपोरेट रूप में के तहत व्यवसाय करने का एक प्रमुख लाभ होता है। जो सीमित देयता होती हैं, जो सीमित जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, उसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं एबीसी, उनको जितने उन्होंने जितनी कीमत के शेयर खरीदे होते हैं उतनी ही कीमत तक वो लायबल होते हैं कंपनी के नुकसान होने की कंडीशन में। अब सीमित दायित्व के सिद्धांत के अपवाद, इसमें कुछ अपवाद हैं सीमित देयता के संबंध में, लिमिटेड लायबिलिटी के संबंध में कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं। पहला, झूठी जानकारी प्रस्तुत करके निगमन करना। अधिनियम की धारा 7 और क्लॉज 7 बी के अनुसार ट्रिब्यूनल किसी कंपनी द्वारा इसके निगमन के दौरान किसी भी धोखाधड़ी या झूठी जानकारी के संबंध में किए गए आवेदन पर उससे संतुष्ट होने पर उससे दायित्व को निर्देशित कर सकता है। ऐसी कंपनी के सदस्यों की संख्या असीमित होगी। दूसरी कंडीशन है व्यापार का कपटपूर्ण आचरण। धारा 339 क्लॉज 1, इसके तहत किसी कंपनी को बंद करने के दौरान यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी का कोई व्यवसाय कंपनी के लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से किया गया है, तो ट्रिब्यूनल आधिकारिक आवेदन पर परिसमापक या कंपनी परिसमापक या कोई अन्य लेनदार संतुष्ट होने पर घोषणा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का निदेशक प्रबंधक या अधिकारी है या रहा है या कोई अन्य व्यक्ति जो उपरोक्त व्यवसाय का हिस्सा बनता है बिना किसी सीमा के व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। असीमित कंपनी कौन सी होती है? अनलिमिटेड कंपनी जब कंपनी को एक असीमित कंपनी के रूप में अधिनियम की धारा 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी के तहत निगमित किया जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि, तो इसके सदस्यों का दायित्व असीमित होगा। अब इसमें भ्रामक विवरणिका क्या है? फ्रॉड जो प्रोस्पेक्टस है धारा 35(3) के तहत कंपनी अधिनियम के अनुसार जहां साबित हो जाता है कि किसी कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिभूतियों के लिए किसी धोखाधड़ी के उद्देश्य से एक आवेदक को धोखा देने या गुमराह करने के इरादे से एक प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो निदेशक था या इस तरह के प्रोस्पेक्टस को जारी करने के समय या प्रोस्पेक्टस में निदेशक के रूप में नामित किया गया है, सभी और किसी भी नुकसान की क्षति के लिए देयता की किसी भी सीमा के बिना व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। यानी कि किसी ने अगर गलत जानकारी दी है अनलिमिटेड कंपनी के संबंध में, तो अगर उसका नाम उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल है या प्रोस्पेक्टस में शामिल है, तो ऐसा व्यक्ति निजी रूप से इंडिविजुअल रूप से अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी होगी। यानी कि जितने उसके शेयर हैं उस शेयर से तो भरपाई की ही जाएगी, साथ ही साथ उसकी निजी संपत्ति से भी भरपाई की जाएगी। अगर एसेट्स उसकी जो शेयर होल्डर शेयर्स हैं शेयर से भरपाई पूरी नहीं हो पाती है, तो उसकी जो इंडिविजुअल एसेट्स होंगे उससे भरपाई की जाएगी। आगे है कपटपूर्ण इरादे से जमा की स्वीकृति। धारा 75 और क्लॉज 1 के अनुसार जब कोई कंपनी जमा राशि या उस के हिस्से या धारा 74 के तहत निर्दिष्ट किसी ब्याज को निर्दिष्ट समय के भीतर चुकाने में विफल रहती है, तो ये साबित हो जाता है कि जमाकर्ताओं को धोखा देने के इरादे से या किसी धोखाधड़ी के उद्देश्य से जमा स्वीकार किया गया है, तो कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो उन जमा राशियों को स्वीकार करने के लिए जिम्मेदार था जमाकर्ताओं द्वारा किए गए सभी या किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि जमाकर्ता जो हैं क्रेडिटर्स जो हैं उनके द्वारा क्रेडिटर्स को ये इनके कंपनी के अधिकारियों द्वारा भुगतान किया जाएगा और वो ये भुगतान इनके शेयर्स से लेकर इनकी निजी संपत्ति तक लिया जाएगा। आगे इसमें अगला एक कैरेक्टरिस्टिक्स है शेयरों का हस्तांतरणीयता ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अधिनियम की धारा 44 सेक्शन 44 कंपनी अधिनियम घोषित करता है कि कंपनी में किसी भी सदस्य के शेयर या डिबेंचर या कोई अन्य हित एक चल संपत्ति होगी, यानी कि चल संपत्ति करंट एसेट होगा, जिसे कंपनी के लेख में प्रदान किए गए तरीके से स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार कंपनी का निगमन उसके सदस्यों को खुले बाजार में अपने शेयर बेचने और कंपनी से पैसा निकालने की परेशानी के बिना अपने निवेश को वापस पाने की अनुमति देता है, यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जैसे कि आप देखते होंगे आप में से बहुत से लोग ट्रेडिंग करते होंगे, तो क्या करते होंगे, शेयर्स खरीदते होंगे और बेचते होंगे, तो शेयरों का हस्तांतरण की भी सुविधा एक कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का, कॉर्पोरेट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसमें क्या सुविधा मिलती है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहें शेयर खरीद सकते हैं और जब चाहें शेयर बेच सकते हैं। क्योंकि निगमन की यह अनूठी विशेषता निवेशक को तरलता यानी कि लिक्विडिटी और कंपनी को स्थिरता प्रदान करती है। यानी कि अगर निवेशक को इससे इन्वेस्टर्स को क्या होता है, फायदा ये होता है कि वो अगर प्रॉफिट देखेगा तो वहां से निकल जाएगा फौरन, और कंपनी को फायदा ये होता है कि जब भी कंपनी को जरूरत होती है पैसे की तो कोई भी शेयर खरीद सकता है और कंपनी में पैसा लिक्विडेट कर सकता है। दूसरी ओर एक साझेदारी फर्म के भागीदार सभी भागीदारों की सर्वसम्मति सहमति के बिना खुले बाजार में अपना हिस्सा नहीं बेच सकते। यानी कि जो साझेदारी फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें साझेदारों की सहमति के बिना अपना हिस्सा नहीं बेच सकता कोई भी साझेदार। ये साझेदारी फर्म और कॉरपोरेट फर्म में फर्क होता है।
अगला करेक्टरिस्टिक होता है मुकदमा करने और मुकदमा होने की क्षमता, कैपेसिटी टू स्यू और टू बी स्यूड। स्यू का है, ये एक लीगल टर्म है। एक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी होने के नाते व्यक्तिगत क्षमता होती है इसकी और दूसरों पर और स्वयं अपने नाम पर मुकदमा इस पर दायर किया जा सकता है। कंपनी का मुकदमा करने का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब कंपनी को कुछ नुकसान हो और कंपनी की संपत्ति या व्यक्तित्व को कुछ नुकसान हो। अब इसमें क्या होता है, एक कंपनी को जब भी उसके बारे में कोई मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित की जाती है जो उसके व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है तो उस पर मुकदमा करने का भी तो उसको क्या है अधिकार, वो मुकदमा कर सकती है कंपनी। आपराधिक शिकायत एक कंपनी द्वारा दर्ज की जा सकती है लेकिन इसका प्रतिनिधित्व एक प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि मुकदमा तो कंपनी की तरफ से दायर किया जाएगा, एक्स वाई जेड कंपनी है तो मुकदमा तो कंपनी एक्स वाई जेड ही दायर करेगी, लेकिन इस मुकदमे का जो प्रतिनिधित्व किया जाएगा यानी कि रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा कोर्ट के अंदर कौन केस लड़ता है, वकील लड़ते हैं, तो एडवोकेट जो होगा वो एक आपका नेचुरल पर्सन होगा, नेचुरल पर्सन इस कंपनी की तरफ से केस लड़ेगा। जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए लेकिन ऐसे प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप शिकायत को खारिज किया जा सकता है। इसी तरह कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार की चूक पर पीड़ित द्वारा कंपनी के नाम पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी कि कंपनी ने अगर किसी तरह का डिफॉल्ट किया है तो किसी व्यक्ति के साथ डिफॉल्ट किया है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, डायरेक्ट कंपनी पर एक्स वाई जेड पर मुकदमा कर सकता है। तो यानी कि कंपनी पर भी मुकदमा किया जा सकता है और कंपनी भी किसी पर मुकदमा कर सकती है। साथ में इसका करैक्टरिस्टिक है कंपनी नागरिक नहीं है। देखिए कंपनी को जो है आप इस दोनों चीज़ों में फर्क समझिए, कंपनी लीगल एंटिटी है, कानून के समक्ष लीगल पर्सन है, कानून के समक्ष लीगल पर्सन है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन फिर ऐसी हालत होने के बावजूद भी ये सिटीजन नहीं मानी जाएगी। कंपनी को सिटीजन का अधिकार नहीं है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार है। कंपनी केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति ही भारत का नागरिक हो सकता है। देखिए एक प्राकृतिक व्यक्ति यानी कि नेचुरल पर्सन ही, एक जिंदा इंसान ही भारत का नागरिक हो सकता है, ना कि एक न्यायिक व्यक्ति। लीगल एंटिटी जो है या लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी भारत का नागरिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी टैक्स ऑफिसर के मामले में कहा था कि भले ही कंपनी को किसी देश की नागरिकता का दर्जा नहीं मिलता है फिर भी उसे आवासीय दर्जा मिल सकता है, यानी कि ये रेजिडेंशियल एंटिटी हो सकती है। कोर्ट ने क्या बताया इसमें, क्या वर्डिक्ट दिया है कि ये रेजिडेंशियल एंटिटी के रूप में इसको नामित किया जा सकता है, इसको लीगल एंटिटी माना जा सकता है, इसको आर्टिफिशियल एंटिटी माना जा सकता है, लेकिन इसको सिटीजन नहीं माना जाएगा, कंपनी को सिटीजन के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब कंपनी का पंजीकरण और निगमन की प्रक्रिया, गठन प्रक्रिया क्या है, कंपनी अधिनियम की धारा 3 से शुरू होकर जो कंपनी के गठन के संबंध में प्रावधान बताता है। एक सार्वजनिक कंपनी, कंपनी कौन सी होती है, 7 या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा बनाई जा सकती है। एक निजी कंपनी, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा बनाई जा सकती है। और एक एकल व्यक्ति कंपनी, सिंगल पर्सन कंपनी, केवल एक व्यक्ति द्वारा निगमित या बनाई जा सकती है, निगमित की जा सकती है या बनाई जा सकती है। तो कंपनी की, कंपनी अधिनियम का सेक्शन 3 क्या कहता है, एक सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 सदस्य होना चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि हमने पहले स्लाइड्स में डिस्कस किया था। और निजी कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी, इसमें मिनिमम 2 सदस्य होंगे और अधिकतम 200 निजी कंपनी में। और एकल व्यक्ति कंपनी, सिंगल पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 व्यक्ति होगा। एक ज्ञापन कंपनी, उनके नाम के सदस्य लेने और अधिनियम के तहत निर्धारित पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करने से कानून के प्रावधानों के अनुसार कंपनी तैयार की जा सकती है। आगे है, एक व्यक्ति कंपनी के निगमन के लिए एक अपवाद है, इसके ज्ञापन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उसकी पूर्व सहमति से इंगित किया जाना चाहिए, सहमति लिखित रूप में होनी चाहिए। निगमन के समय इसके ज्ञापन के साथ रजिस्ट्रार के पास दायर की जानी चाहिए और कानून की प्रक्रिया अनुसार इसको बनाया जाना चाहिए। अभिदाता यानी कि सब्सक्राइबर की मृत्यु या अनुबंध करने में उसकी अक्षमता के मामले में नामित व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन जाएगा। यानी कि अगर सब्सक्राइबर यानी कि जिसने शेयर कंपनी के खरीदे हैं उसकी मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामित यानी कि नॉमिनी जो होगा, नॉमिनी या उसका फिर उत्तराधिकारी जो होगा, सक्सेसर जो होगा, वो कंपनी का सदस्य बन जाएगा। नामित व्यक्ति अपनी सहमति वापस भी ले सकता है या किसी भी समय कानून द्वारा निर्धारित तरीके से नोटिस देकर दूसरे व्यक्ति का नाम इसके अपने अनाम के साथ बदल सकता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह ट्रांसफर कर सकता है अपने शेयर। एक सदस्य का कर्तव्य है कि वो कंपनी में किए गए परिवर्तन को ज्ञापन में या किसी अन्य निर्धारित तरीके से इंगित करें और कंपनी रजिस्ट्रार को इसका संकेत देगी। नाम के इस तरह के परिवर्तन को ज्ञापन में संशोधन नहीं माना जाएगा क्योंकि यह परिवर्तन कंपनी के किसी भी नियम और शर्तों को प्रभावित नहीं करता है। आगे है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। धारा 7 के अनुसार, सेक्शन 7 के अनुसार क्या किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है। और सेक्शन 3 के अनुसार क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है सेक्शन 3 के तहत, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। सेक्शन 3 के तहत
धार इसका गठन किया जाता है कंपनी का, और सेक्शन 7 के तहत क्या किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। कंपनी का निगमन उस रजिस्ट्रार के पास दायर किया जाएगा। कंपनी और साझेदारी फर्म के बीच अंतर, कंपनियों को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया जाता है जबकि साझेदारी का फर्मों को भागीदारों के बीच आपसी समझौते पर बनाया जाता है। कंपनियां भारतीय अधिनियम 2013 को नियंत्रित, इस भारतीय अधिनियम 2013 कंपनियों को नियंत्रित करता है जबकि साझेदारी फर्मों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बनाया गया है। 1932 हमने शायद पिछली स्लाइड में 1923 बता दिया था जो कि गलत है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, 1932 के तहत इसको बनाया गया है। साझेदारी फर्मों का पंजीकरण एक कंपनी के विपरीत स्वैच्छिक होता है, यानी कि पार्टनरशिप जो फर्म होती हैं वो स्वैच्छिक आधार पर बनाई जाती हैं, लेकिन जो कंपनी अधिनियम के तहत कानून के समक्ष एक अलग कानूनी इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। साझेदारी फर्म को शामिल करने के लिए आवश्यक भागीदारों की संख्या 2 अधिकतम 100 हो सकती है, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट जो है पार्टनरशिप फर्म के तहत जो भागीदार हैं वो कम से कम 2 होंगे, मिनिमम 2 भागीदार। अब जाहिर सी बात है कि मिनिमम तो 2 ही होंगे क्योंकि अगर 1 होगा तो भागीदार कब कहलाएगा, तो सिंगल पर्सन कंपनी हो जाएगी, तो मिनिमम 2 भागीदार होंगे और मैक्सिमम 100 हो सकती है इसकी संख्या। लेकिन कंपनी के निगमन के लिए निजी कंपनी के मामले में, अब कंपनीज एक्ट के तहत जो प्राइवेट कंपनी है उसके मामले में क्या होगा, सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होगी, मिनिमम संख्या 2 और मैक्सिमम संख्या 200 होगी और मिनिमम 2 होगी। सार्वजनिक कंपनी के मामले में जो पब्लिक कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी उसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लिमिट जो है इसके लिए नहीं है। एकल व्यक्ति की कंपनी एक सदस्य द्वारा, इसमें एक सदस्य मिनिमम एक सदस्य द्वारा इसको बनाया जाता है। कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है जबकि साझेदारी फर्म कानूनी इकाई नहीं है। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया कंपनी जो है एक कंपनी जो होती है एक लीगल एंटिटी होती है, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जबकि साझेदारी फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म का इसमें कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, कोई भी ये किसी भी तरह का एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होती। कंपनी के पास अपने नाम पर मुकदमा करने और मुकदमा चलाने की संविदात्मक क्षमता होती है, यानी कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कंपनी के पास ये पावर होती है कि वो किसी पर मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर भी डिफॉल्ट, अगर कंपनी ने किसी व्यक्ति के साथ डिफॉल्ट किया है तो इस कंपनी पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, जबकि साझेदारी फर्म ऐसा नहीं कर सकती। साझेदारी फर्म अगर किसी के साथ डिफॉल्ट करती है तो फर्म के जो पार्टनर हैं उन पर मुकदमा होता है, और अगर फर्म के साथ कोई अन्य व्यक्ति धोखा करता है तो फर्म मुकदमा नहीं करेगी बल्कि फर्म के पार्टनर मुकदमा करेंगे। आगे है कंपनियों का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनियों का वर्गीकरण, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 का जो अमेंडमेंट है और 2020 का जो अमेंडमेंट है उसमें जो वर्गीकरण बताया गया है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनियों का वर्गीकरण करने के लिए आधार निम्नलिखित हैं, निगमन के आधार पर, रेगुलेशन के पर आधार पर कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं, सांविधिक कंपनियां, स्टेचुरी कंपनीज जो कौन सी होती है, संसद या राज्य विधायिका के एक विशेष अधिनियम के तहत कंपनियों का निगमन किसी भी कंपनी अधिनियम के तहत नहीं आता, यानी कि ऐसी कंपनीज जो राज्य अधिनियम के तहत बनाई जाती हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के तहत बनाई जाती हैं या फिर संसद के तहत पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं, स्पेशल एक्ट के थ्रू, तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती हैं, शामिल उनको नहीं किया जाता है। ऐसी कंपनियां कौन सी होती हैं, जैसे RBI, जैसे आपका SBI, जैसे आपका कर्मचारी राज्य बीमा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जैसे आपका SEBI, ये सारे कौन से हैं, ये इन कंपनियों को इसके तहत कंपनीज एक्ट 2013 के तहत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। दूसरी होती है पंजीकृत कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनीज, कंपनियां जो कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य पिछले कंपनी कानून की धारा 7 के तहत शामिल हैं। जैसे पंजीकरण किसके तहत होता है, हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि सेक्शन 7 के तहत पंजीकरण किया जाता है, तो ऐसी कंपनियां जो कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 7 के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है वो कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनियां कहलाती हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस इत्यादि। अब है सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों को वर्गीकृत किया गया है। इसमें कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं, पहली होती है एकल व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सेक्शन 2 क्लॉज 62 एक व्यक्ति कंपनी को एक कंपनी के रूप में परिभाषित करती है जिसे एक व्यक्ति के साथ एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है, जबकि धारा 3 कंपनी अधिनियम कुछ अपवादों को निर्दिष्ट करता है जिनका पालन एक व्यक्ति कंपनी के पंजीकरण के लिए किया जाना है, उदाहरण के लिए ABV, AD, एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इत्यादि। तो ये ऐसी एकल व्यक्ति कंपनी होती है। दूसरा कौन सी होती है, निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनीज, धारा 2 क्लॉज 68 एकल व्यक्ति कंपनियां किसके तहत बनाई जाती है, धारा 2 क्लॉज 62 के तहत, और निजी कंपनियां धारा 2 क्लॉज 68 के अनुसार एक निजी कंपनी को छोड़कर एक व्यक्ति कंपनी अपने सदस्यों की संख्या को, सॉरी यहां पर होगा एकल व्यक्ति कंपनी को छोड़कर एक निजी कंपनी अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित कर सकती है, यानी कि इसमें मिनिमम 2 लोग होंगे और मैक्सिमम 200 लोग।
न्यूनतम चुकता पूंजी निर्धारित की जा सकती है इसकी। ऐसी कंपनियां किसी भी सार्वजनिक आमंत्रण को उसकी किसी भी प्रतिभूति की सदस्य लेने से रोकती हैं। अब तीसरी होती है सार्वजनिक कंपनियां, पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनियों को कंपनी धारा सेक्शन टू क्लॉज 71 के तहत परिभाषित किया गया है। एक निजी कंपनी के रूप में नहीं, निजी जिनके शेयरों को खुले व्यापार बाजार में आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि ऐसे कंपनी जिनके शेयरों को ओपन मार्केट में सेल परचेस किया जाता है उनको सार्वजनिक कंपनीज कहते हैं। ये अपने शेयरों को एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से जारी करते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से जारी करते हैं, आईपीओ के माध्यम से। इसे आम जनता द्वारा खरीदा जा सकता है। सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कम से कम 7 है, जैसे कि हमने बार बार बताया, ये आपको याद रखना है, और असीमित तक बढ़ सकती है, यानी कि इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट कुछ भी हो सकती है। इसके शेयरों को हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि इसका शेयर कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। नियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के आधार पर कंपनियों की 3 श्रेणियों की पहचान की गई है। नियंत्रक कंपनियां, होल्डिंग कंपनीज। अधिनियम की धारा 246 में कहा गया है कि जब एक कंपनी का बोर्ड की संरचना पर नियंत्रण होता है और कंपनी के पास दूसरी कंपनी के अधिकांश शेयर होते हैं तो उसे दूसरी कंपनी के रूप में जाना जाता है। कौन सी कंपनियां? ऐसी कंपनियां जो धारा 2 और क्लॉज 46 के तहत, ऐसी कंपनियां जो बोर्ड की संरचना पर जिनका बोर्ड की संरचना पर नियंत्रण होता है और कंपनी के पास दूसरी कंपनी के अधिकांश शेयर होते हैं। ऐसी कंपनी जिसके पास दूसरी कंपनी के ज़्यादातर शेयर होते हैं तो उसे दूसरी कंपनी के रूप में जाना जाता है। यानी कि मान लीजिए, जैसे आपका कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो पेरेंट कंपनी होती हैं और इनकी छोटी कंपनियां अलग होती हैं। जैसे गूगल की एक और पेरेंट कंपनी है, तो गूगल को उसी कंपनी के रूप में जाना जाएगा। तो इसका हम नाम भूल गए, जिस कंपनी के तहत, इसका आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि गूगल किसकी सब्सिडियरी कंपनी है। दूसरी है सहायक कंपनियां, सब्सिडियरी कंपनीज। एक कंपनी जिसका नियंत्रण और संरचना उसकी होल्डिंग कंपनी के रूप में जाने वाली दूसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि पेरेंट कंपनी कोई और है, उसके द्वारा इसको दूसरी कंपनी को एक्स वाई जेड को होल्ड किया गया है। तो ऐसी कंपनीज क्या होती हैं? एक्स वाई जेड इसमें क्या कहलाएगा? सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, यानी कि इसकी पेरेंट कंपनी अलग है, एबीसी है। इस एबीसी ने अपनी कंपनी इस नाम दूसरे एक्स वाई जेड नाम से दूसरी कंपनी बनाई है, तो ये सब्सिडरी कंपनी हो गई, क्योंकि एबीसी इसकी पेरेंट कंपनी है। ये सहायक कंपनी, ऐसी कंपनियां सहायक कंपनी कहलाती हैं। इसके निदेशक मंडल की संरचना को इसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि उसको कौन नियंत्रित करेगा? उसके निदेशक मंडल को एबीसी कंपनी नियंत्रित करेगी, और आधे से अधिक शेयर उस कंपनी के कब्जे में होते हैं, क्योंकि इसके एबीसी के पास इसके 50% से ज़्यादा शेयर होंगे। अधिनियम की धारा 287 एक सहायक कंपनी को परिभाषित करती है। अब सहयोगी कंपनी, एसोसिएट कंपनीज। जिस कंपनी में दूसरी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, यानी कि ऐसी कंपनियां, मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी और एक कंपनी है एक्सवाईजेड, तो ऐसी कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, यानी कि एक एबीसी कंपनी है, इस पर एक्सवाईजेड का प्रभाव है, पूरा इम्पैक्ट है, लेकिन कंपनी इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये एबीसी जो है इसकी एक्सवाईजेड की सब्सिडरी नहीं है। कुल शेयर पूंजी का कम से कम 20% का नियंत्रण है, यानी कि इसकी एबीसी की जो कुल चुकता पूंजी है उसका 20% शेयर एक्सवाईजेड के पास है। तो ऐसी कंपनियां धारा 2 क्लॉज 6 के अनुसार एक सहयोगी कंपनी कहलाती है, यानी कि एसोसिएट कंपनीज कहलाएगी। तो एबीसी जो कहलाएगी वो एक्सवाईजेड की एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, क्योंकि इसके पास इसका प्रभाव तो है लेकिन इस पर अधिकार नहीं कर सकती। इस प्रकार की कंपनियों में शामिल है संयुक्त उद्यम कंपनी, यानी कि आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, संयुक्त उद्यम कंपनीज। तो ऐसी कंपनीज होती है संयुक्त उद्यम कंपनी, लेकिन जो सहायक कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनियां जिन पर दूसरी कंपनी का पूरा नियंत्रण और प्रभाव होता है और उन्हीं के ही कंट्रोल में होती हैं। दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लिमिटेड कंपनियां और अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाई शेयर। लिमिटेड कंपनियों में भी कई होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। तो पहली लिमिटेड कंपनीज कौन सी होती है? लिमिटेड कंपनीज जिनके इनके सदस्यों की सदस्यता या तो उनके द्वारा खरीदे गए शेयर तक सीमित होती है या उस राशि तक सीमित होती है जिससे प्रत्येक सदस्य कंपनी के समापन पर संपत्ति में योगदान करने के लिए सहमत होते हैं। यानी कि ऐसी कंपनियां जिनमें जो लिमिटेड योगदान होता है, यानी कि फिक्स योगदान होता है, यानी कि जितने अगर 100 रुपये के शेयर किसी एक्स ने खरीदे हैं तो अगर कंपनी का लॉस हो जाएगा तो उसके 100 रुपये ही डूबेंगे। अब इसकी जो पर्सनल इंडिविजुअल वो है, इसकी एसेट्स हैं, इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें दो तरह की होती है, शेयर द्वारा सीमित, लिमिटेड बाई शेयर्स। सदस्यों की देयता शेयर द्वारा सीमित कंपनी में उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या तक सीमित है। एक कंपनी जिसके सदस्यों की देता मेमोरेंडम द्वारा सीमित राशि यदि कोई हो, उनके द्वारा धारित शेयरों को क्रमशः धारा 2, 22
के अनुसार शेयरों द्वारा सीमित कंपनी कहलाती है, और दूसरी होती है लिमिटेड बाई गारंटीज, गारंटी द्वारा सीमित वो है जिसके सदस्यों के देता ज्ञापन द्वारा सीमित है। ये दायित्व उस राशि तक सीमित होगा जैसे कि सदस्य कंपनी के समापन की प्रक्रिया में कंपनी की परिसंपत्तियों में योगदान करने का वचन देते हैं। सदस्यों की देता सदस्यों द्वारा योगदान करने के लिए सहमत ज्ञापन में निर्दिष्ट निश्चित राशि तक सीमित होता है। मान लीजिए ये ABC कंपनी है और यहाँ कोई एक्स व्यक्ति है जिसने ABC के 1000 रुपये के शेयर खरीद रखे हैं और ABC को मान लीजिए 1000 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो इसने 100 रुपये के शेयर खरीद रखे हैं, 100 रुपये के शेयर खरीद रखे हैं और 1000 रुपये का नुकसान हो जाता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक्स ने ये कहा है, इस तरह का समझौता किया है ABC के साथ कि मेरा इसमें जो पार्टनरशिप मैं कंट्रीब्यूशन कितना करूंगा संपत्तियों में, मैं 500 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन करूंगा, लेकिन शेयर उसने 100 रुपये के खरीद रखे हैं। तो क्या होगा अगर कंपनी ABC को 1000 रुपये का नुकसान होगा तो 1000 रुपये शेयर के डूबेंगे। अब बचे हुए 500 रुपये जो हैं, 500 में से 400 रुपये जो बचे हुए हैं, इसका भुगतान भी इसकी इंडिविजुअल एसेट से कर लिया जाएगा। तो ये गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां होती हैं। दूसरी कंपनी कौन सी होती हैं? असीमित कंपनियां, लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनीज। सदस्यों द्वारा सीमित देता एक वांछनीय विकल्प है लेकिन निगमन के लिए आवश्यक नहीं है। अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 92 सेक्शन 2 क्लॉज 92 के अनुसार कोई भी कंपनी जिसके द्वारा सदस्यों के दायित्व की सीमा नहीं होती असीमित कंपनी कहलाती है। इस प्रकार की कंपनी अब शायद नहीं बनती है। सदस्यों का दायित्व बिना किसी सीमा के सभी व्यापारिक ऋणों के लिए एक फर्म के भागीदारों के समान होता है। और लास्ट इसमें हमारा पूंजी तक पहुंच के तरीके के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ मनी सूचीबद्ध कंपनी यानी कि लिस्टेड कंपनी धारा 256 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन टू क्लॉज 56 के अनुसार कोई भी कंपनी जिसकी प्रतिभूति यानी कि जिसकी सिक्योरिटीज सार्वजनिक व्यापार के लिए पब्लिक बिजनेस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यानी कि ऑथराइज स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है यानी कि NSE में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो एक सूचीबद्ध कंपनी वो कहलाएगी। ये एक उद्भत कंपनी के रूप में भी इसे जाना जाता है, उद्भत कंपनी के रूप में। और दूसरी होती हैं असूचीबद्ध अनलिस्टेड कंपनियां। ये कंपनियां निजी स्वामित्व वाली कंपनियां होती हैं, ये क्योंकि ये किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती, उन्हें धन जुटाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई कंपनी खोलते हैं, उसे रजिस्टर्ड करा लेते हैं, लेकिन आपने लिस्ट नहीं कराया है शेयर मार्केट में, तो आपकी कंपनी जो कहलाएगी वो अनलिस्टेड कंपनी कहलाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर कुछ कोई पोर्शन या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा इसमें बताने से रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको भी आने वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। क्योंकि हमने पेनाल्टी से संबंधित प्रावधान छोड़ दिए हैं क्योंकि उसमें कुछ प्रावधानों में अमेंडमेंट किया गया है 2020 में, और 2021 में जो संशोधन किए गए हैं उसमें पेनाल्टीज में स्पेशली संशोधन किए गए हैं, इसलिए हमने आज के लेक्चर में 2013 के प्रावधान अधिनियम में उसको कवर नहीं किया है क्योंकि हम सीधा उसको 2020 और 2021 के लेक्चर में 2020 अधिनियम और 2021 का अमेंडमेंट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में 2021 में कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।